कंसंट्रेशन टर्न मोलारिटी और मोलारिटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोग समझिए, हमने कंसंट्रेशन जो है लास्ट टाइम पढ़ा था, कंसंट्रेशन होता क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखो यहां पर अमाउंट की बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। इस अमाउंट को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें मोल में तो ये मोलारिटी हो जाती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन को हम पढ़े, एक बीकर लीजिए जो अमाउंट सॉल्यूट का रखना है वो सॉल्यूट का अमाउंट लेकर उसको उसमें मिक्स कर दीजिए, वाटर या कोई सॉल्वेंट जिसमें वो सॉल्युबल है, जिसमें आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, और मेकअप कर लीजिए वॉल्यूम कितना 1 लीटर। तो आप कह सकेंगे कि जो अमाउंट आपने डिसॉल्व किया था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मेक करने के लिए उसी को ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन बोलते हैं। यही बात हमने कहा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मतलब सिंपल सा है, एक बीकर लिया हमने, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कोई भी सॉल्ट लेने वाले हैं, और वो ले लिया हमने यहाँ सॉल्ट कितना, जितना हमें लेना है 50 ग्राम ले लिया या 60 ग्राम जो भी, और हम इसमें जो मार्किंग होगी 1 लीटर की, जैसे आधा लीटर की मार्किंग होगी, उसके बाद 1 लीटर की मार्किंग होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो सॉल्ट हमने लिया है 50 ग्राम सॉल्ट, उसमें वॉटर जो है डाल देंगे और वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे कितना 1 लीटर। तो अब हम ये कहेंगे कि कंसंट्रेशन कितना हो गया इसका, देखो वॉटर के अमाउंट की कोई बात नहीं यहाँ की जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्ट की बात की जाएगी, जो आपने कितना लिया था 50 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्ट डिसॉल्व पर लीटर, पर लीटर में आप एक वर्ड में यहाँ जोड़ देता हूं, वर्ड ऐड कर रहा हूं, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर की बात की है तो वैसे ही वॉल्यूम है, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं लिख देता हूं पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर लीटर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का हमने कितना बना लिया है पर लीटर, 1 लीटर बना लिया है। तो ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है इसमें आपका सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को आराम से कह सकते हैं 50 ग्राम पर लीटर, ये कंसंट्रेशन है। खत्म, सिंपली 50 ग्राम पर लीटर ये कंसंट्रेशन हो। इसी तरह इस कंसंट्रेशन को, अब जैसे ये 50 ग्राम कंसंट्रेशन हो गया, अभी मान लो अगर मैंने ये 40 ग्राम लिया होता और सॉल्ट की जगह NaOH लिया होता, क्या फर्क पड़ता है, कोई कंसंट्रेशन पूछेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का पानी में बनाया इसलिए क्या कह रहे हैं एक्वस, वाटर में जो भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम एक्वस, और कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कितना है, तो हम कहेंगे 40 ग्राम पर लीटर। राइट, हमें पता होना चाहिए कि NaOH का मोल कितना होता है, तो 1 मोल ऑफ NaOH कितना है
इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, NaOH की ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो वन मोल ऑफ NaOH हम लेके आए तो पता करें तो क्या है, वन मोल ऑफ NaOH इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें ग्राम एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता होना चाहिए, एक लिस्ट बनाकर इनको हम साइड में नोट कर देते हैं। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर, सोडियम 23, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, ब्रोमीन 80। ये कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे जैसे हमको जरूरत ज्यादा होती जाएगी तो हम उसको ऐड कर देंगे, लेकिन ज्यादातर ये ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सारे ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमें क्या कर देंगे, सम कर देंगे एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास का। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से तीन चीजें चाहिए, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम यहाँ ले लेंगे 23, 16 प्लस 1, दैट इज 40। तो 40 ग्राम NaOH क्या होता है, उसका वन मोल होता है। तो अगर इसी कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट कर दो, मोल वाली कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट कर दो, तो केवल यहां पर जो वर्ड है अमाउंट, यहां मैं कह दूंगा अमाउंट मतलब 40 ग्राम पर लीटर बोल रहा था कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट की बात कर रहा था। अब अमाउंट को मोल में बात कर, क्या कहूंगा कि कंसंट्रेशन क्या है, 40 ग्राम इक्वल्स टू वन मोल। तो यहां अगर क्या आ जाएगा, वन मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वन मोल NaOH के एक्वस सॉल्यूशन की। ध्यान दीजिए, कुछ भी खास हमने अभी कुछ नहीं किया, केवल हमें पता था कि 40 ग्राम NaOH जो होता है वन मोल के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर 40 ग्राम NaOH जो है वन मोल के इक्वल होता है, यानी जहां हम 40 ग्राम पर लीटर बोल रहे थे कंसंट्रेशन को, अगर हम वही वन मोल पर लीटर बोल दें तो वो मोलारिटी हो जाए, यानी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट हो जाएगी मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलारिटी की टर्म, राइट। अब अगर हम ये कहें कि हमने 80 ग्राम NaOH लिया था, तो हम यहाँ पर क्या बोलने पर, तो इसकी कंसंट्रेशन बताते तो कहते 80 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये कंसंट्रेशन होती। लेकिन इसे मोल में रिप्रेजेंट करते तो 80 ग्राम के कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं, तो कंसंट्रेशन को कहते 2 मोल पर लीटर। इसी तरह अगर 80 ग्राम की जगह 120 ग्राम लिया जाता तो 3 मोल्स पर लीटर। 1 मोल लेकर बनाएंगे तो उसे 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोल लेकर बनाया 1 लीटर सॉल्यूशन तो 2 मोलर सॉल्यूशन, और 3 मोल लेकर बनाया तो 3 मोलर सॉल्यूशन। इस तरह से हम मोलर सॉल्यूशन के नेम दे सकते हैं, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, और बहुत आसानी से बस कंसंट्रेशन को ही चेंज कर दिया मोलर कंसंट्रेशन में, यानी मोलर कंसंट्रेशन, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट की जगह कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड मोलारिटी या मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलारिटी या मोलर कंसंट्रेशन क्या है, केवल अमाउंट को मोल में रिप्रेजेंट करना है बस, तो मोलर कंसंट्रेशन खत्म, सिंपल सा है। चलिए अपन ले लेते हैं यहाँ कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, मोलारिटी यूज कर रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं है एक ही मोल हो, तो हम यहाँ द नंबर ऑफ मोल्स बात करें, द नंबर ऑफ मोल्स। देखो आप यहाँ पर ये बात याद रखना कि अमाउंट की जगह पर हम क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये बस इस चीज को आपको याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स। बाकी ये पूरी कंसंट्रेशन ही क्या है, मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी। यहां अमाउंट की जगह हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे। अमाउंट अभी कहां था, इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
ठीक है, डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर हमने कहा कि अमाउंट ग्राम में लिया है तो वो सिंपली कंसंट्रेशन है, और मोल में ले लिया तो वो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी की बात हो जाएगी, बहुत सिंपल सा है ना। अरे यार क्या कर रहे हैं, बस अमाउंट को हटाकर उसकी जगह मोल ला रहे बस। तो अमाउंट को मोल में बदलना आता है तो मोलर कंसंट्रेशन आ गई, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको डेफिनेशन में भले ही रिवाइज करके एक बार और लिख दूं, लेकिन सारा का सारा वही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। तो क्या कहने वाले हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर और 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो कंसंट्रेशन बदलकर क्या हो गई दोस्त, जहां पर हमने कंसंट्रेशन वर्ड यूज किया वो कंसंट्रेशन अब मोलर कंसंट्रेशन बोली जाएगी, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी। ये चेंज हुआ, देखो दोस्त अमाउंट चेंज किया यहां से, तो कंसंट्रेशन का नाम बदलकर मोलर कंसंट्रेशन हो गया, यानी मोलारिटी हो, बस सिंपल ज्यादा ना। ये चीजें नोट करते जाया करो, आप कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बात नहीं आएगी, अगर ये चीजें नोट रहेंगी और इनको हम लर्न करते रहेंगे, यानी इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करना जरूरी है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास आपको आना चाहिए, याद करना है वो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या कहने वाले हैं, मोलारिटी की जो बात हुई है हम उसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब फॉर्मूले का, जैसे फॉर्मूले में हमने कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंट किया था, कंसंट्रेशन में क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कहां लिया है आपने, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ये फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहां ले दिया आपने, ग्राम में, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। और नीचे क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें है प्रेजेंट, टोटल कौन है, टोटल को नीचे ले दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिया है अपने, लीटर, ठीक है। तो देखो यहीं से यूनिट दिख जाती है, ग्राम ऊपर है और लीटर, ग्राम पर लीटर में इसकी यूनिट रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब देखिए, अगर मोलारिटी को दिखाना होता बहुत सिंपल था, मोलारिटी इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आप देख रहे हैं किसके, सॉरी सॉल्यूट के, ये कहां प्रेजेंट है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, बस केवल नंबर ऑफ मोल्स लिखना है जहां हमने अमाउंट की बात की, ठीक है। तो बस मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज इनटू द मोलर कंसंट्रेशन, कुछ भी नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्त। अब लीटर की जगह यहां पर ml में दे दिया हो तो आप किस क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे थाउजेंड, बिकॉज किसी भी ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें थाउजेंड से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, इससे डिवाइड कर देंगे आपका क्या आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करने, तो जहां भी ml में दिया है तो मैं 1000 से डिवाइड कर देना होगा, सिंपली है ना। एक चीज हमें आना जरूरी है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ मोल्स
किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी के भी मोल्स पूछ लिए, NaOH के भी पूछ लिए, तो उसका वेट और मॉलिकुलर वेट का रेशियो जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो वेट और वेट, इन दोनों का रेशियो हम ले लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट और उसका मॉलिकुलर वेट। सो वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट कोई भी हो, जैसे NaOH होगा तो वेट ऑफ NaOH और मॉलिकुलर वेट ऑफ। हाँ बस वही है, वो ग्राम में कह दिया तो ग्राम में निकाला जाए तो ग्राम एटॉमिक वेट हो जाता है, ग्राम मॉलिकुलर वेट हो जाता है। मॉलिकुलर वेट आप इस तरीके से निकाल लेंगे, सम कर लेंगे एटॉमिक वेट को तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी वेट आपको गिवन होगा, या आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कितने ग्राम का हम ले रहे हैं, और जितने ग्राम ले रहे हैं वो उसका वेट है, और मॉलिकुलर वेट आप उसके फॉर्मूले में देखेंगे कौन कौन एटम है, उन सबका एटॉमिक मास जो है वो सम कर लेंगे मॉलिकुलर मास। बहुत सिंपल है। अब जैसे मैंने यहां से, अब कंसंट्रेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से कंसंट्रेशन हटा देता हूं, अब कंसंट्रेशन का हमें जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, यहां पर हमने कहा है कि हमने कोई वाटर लिया, उसको ए बोल दिया, उसमें कोई भी चीज चाहे NaOH डाल रहे हैं या कोई भी चीज डाल रहे हैं, तो NaOH जो है वो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, आपको पता है कि लार्ज अमाउंट में लिया है वाटर, और NaOH अगर हमने डाला तो वो सॉल्यूट हो गया। अब ये सॉल्यूट कितना डाला, तो ये इसका वेट हो गया, तो वेट का मतलब फर्स्ट वर्ड है W, और किसको, NaOH को क्या, यानी सॉल्यूट को क्या मान के चल रहे हैं हम, बी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया WB जो भी डालेंगे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर बात करेंगे, लेकिन अभी कंसंट्रेशन में, इस तरह की कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट के वेट का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर करें तो ये हो जाएगा WA, ठीक है, वेट ऑफ A। सिंपली एक बात और, नंबर ऑफ मोल्स में क्या चीज आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिकुलर वेट ऑफ। नंबर ऑफ मोल्स को आप यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें तो n से कर सकते हैं, लेकिन n किसका, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का है तो b लगा दो और सॉल्वेंट ले रहे हो तो a लगा दो, सिंपल सा, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है WB, ठीक है, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो मॉलिकुलर का फर्स्ट वर्ड है m, और किसका ले रहे हैं, वही सॉल्यूट का, ये याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स उसी के वेट, उसी सब्सटेंट का वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो, सिंपली ये बात याद रखनी। अब हम इसको कैसे, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स यानी NV अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी V लीटर, तो लीटर में बात की, ये ML में बात करेंगे तो क्या करना है, केवल इतना सा काम 1000 से डिवाइड करते, ठीक है। और अगर इस चीज को और लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, WB, इस चीज को ऊपर चले जाना, इसको अलग, WB MB, WB अपॉन MB किसकी वैल्यू है, NV की, ठीक है, समझ आ रहा है इतना। और इसके नीचे हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है दोस्त, अगर ये लीटर में है तो ये फॉर्मूला आ गया, WB MB का मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम में, ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम किसमें दिया है, ML में, तो इट इज डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ML में दिया है तो आप इस फॉर्मूले को, अभी ये लीटर के लिए, लेकिन ML में दिया है तो क्या करेंगे, यहां ML को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, समझ में, चाहे यहां लिख, जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू MB अपॉन, देखो WB का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो WB इंटू 1000 MB का इसमें कर देंगे तो वॉल्यूम,
क्लियर है, ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला। अब मोलारिटी के थ्रू कोई भी सोल्यूशन बना लो, जैसे मैंने क्या कहा था कि वन मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वन। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड वन मोलर सोल्यूशन, राइट, एंड देयर मोलारिटी इज वन मोल ऑफ NaOH पर लीटर या वन मोल पर लीटर, ठीक है, समझ गए इस बात को। अगर ऐसी बात की है तो इसकी किसकी, अगर आप इससे डिफरेंट केस की बात करते हैं, जरूरी थोड़ी है NaOH लेकर हम सोल्यूशन बनाएंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको समझने के लिए ये जरूरी है, इसके बाद आप डिफिकल्ट करते जाना बहुत सारी। तो चलिए हम एक सिंपल सा यहाँ पर एक सोल्यूशन बना लेते। द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ये कितना बना रहे हो सोल्यूशन उतना लिख दो, बोलो 200 ml बना ले, 200 ml ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम, 8 ग्राम ले लेते हैं, कोई भी मर्जी है जितना लेना है, मैं आपकी कैलकुलेशन को अभी सिंपल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप जब धीरे से सीख जाएंगे तो सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। 200 ml of solution is prepared by dissolving 8 ग्राम of NaOH in water। अब देखो यहाँ पर एक खास बात है, वॉटर का कोई अमाउंट नहीं दिया, यानी दो ही अमाउंट इंपॉर्टेंट है, एक तो सॉल्यूट का अमाउंट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक वॉल्यूम और दूसरा अमाउंट, ये इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम इसको निकालें तो कैसे फाइंड करेंगे मोलारिटी, आप इस फॉर्मूले से जाएं, इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको क्या करना होगा 200 को पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 0.2 आ जाए, ठीक है। बाकी वेट आपको NaOH का पता ही है, WB की वैल्यू कितनी है 8 ग्राम, और टोटल सोल्यूशन कितना बनाया, अब 1 लीटर नहीं बनाया, कितना बनाया सोल्यूशन 200 ml, तो पानी तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो 8 ग्राम कौन है WB, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200 ml। सबसे मेजर चीज है मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी आप NaOH की, तो वो आपको अभी अभी मैंने बता ही दिया कैसे आपको लाना है, 23 16 + 1 वो लिखे हुए हैं, इनको सम कर देंगे तो कितना आ रहा है 40, ये आराम से आप यहां से ले, 8 से 8 काट देंगे कितना आ गया 1, वही सोल्यूशन है जो अभी मैंने बनाया था, ये 40 ग्राम लेकर 1 लीटर बनाया था वही है, क्यों 200 ले लिया ना, तो 200 में 8 ग्राम ले लिया, यानी इसको ध्यान से समझिए मैंने क्या काम किया, 5 से डिवाइड कर दी वॉल्यूम को, 5 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 200 ml, और 5 से डिवाइड कर दिया 40 ग्राम NaOH को, कितना आ गया 8 ग्राम, यानी वही बात हमने की है जो अभी की। तो अभी मोलारिटी कितनी आ रही है इसकी, 8 से 8 कट दो तो 1 mole per liter, 1 mole per liter या 1 mole 1 m भी कर सकते, m मतलब मोलारिटी, मोलारिटी किसको स्टिंग करता है मोलर, तो इस तरह की सॉल्यूशन को 1 molar solution, तो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या आ गई 1 mole per liter, 1 mole per liter ये आ गई इसकी मोलर कंसेंट्रेशन, खत्म। इसको आप 1 ऐसे भी लिख के छोड़ सकते थे, 1 m मोलारिटी इसकी 1 m, ठीक है, ये तो होगी मोलारिटी की बात, इसको और अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो साथ ही साथ एक और टर्म की हमें जरूरत पड़ी मोलारिटी के अलावा, यहां से कुछ रिजल्ट जब एक्सपेरिमेंटल हम करते हैं लेबोरेटरी में तो उनकी वैल्यूज में डिफरेंट आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है, इनकेस ऑफ मोलारिटी के थ्रू हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो मोलारिटी के थ्रू कैसे बनाने हैं, तो मोलारिटी को मोलर कंसेंट्रेशन कहते हैं, वहां पर क्या करना होता है कि कितना पानी लिया है उसमें सॉल्ट डाल दे, पानी ले लो पहले, फिर उसमें सॉल्ट और जो भी सब्सटेंस डालना है उसे डिसॉल्व कर दो,
और वॉल्यूम की जरूरत नहीं, बस याद रहे वो पानी कितना है और उसमें सॉल्ट कितना है। तो किस चीज की, अब वॉल्यूम को हटा दिया हमने, क्या जरूरत है, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट, या मोलालिटी की बात, सिंपल सा बात, मतलब यहां पर सॉल्यूशन कितना बना रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बना रहे हैं इससे कोई लेना देना, सॉल्वेंट कितने ग्राम ले लिया उसमें कितने ग्राम आपने सॉल्यूट डाल दिया, ये ठीक है। अब जरा देख लीजिए, तो मोलारिटी की जगह हम एक टर्म यूज करने वाले हैं, मोलालिटी, मोलालिटी। देखो बस केवल क्या चेंज हुआ, आर की जगह एल आ गया, ठीक है, तो यहां भी बहुत सारा बदलाव नहीं होगा, पूरा हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो कोई चेंज हम यहां नहीं कर रहे हैं, डिसॉल्व यहां तक हमारा कोई चेंज नहीं, जहां लीटर लिया है तो वॉल्यूम की बात की थी, हम हमने वॉल्यूम की बात की नहीं, तो हम लीटर की बात करेंगे क्यों, नहीं करेंगे, किसका वेट ले रहे हैं हम, सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट को डिसॉल्व कहां कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट में यार, और मेकअप कितना कर रहा है वॉल्यूम, इससे कोई लेना देना नहीं, बस सॉल्वेंट कितना है ये हमें पता हो और उसमें हमने वेट कितना डाला है सॉल्यूट का ये पता हो। चलिए तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी, देखो अमाउंट की बात आ गई तो पर केजी, और केजी में, केजी में ग्राम कितने होते हैं, वही सेम 1000 ग्राम, राइट। अब वॉल्यूम नहीं आएगा, देखो यहां पर दो चीजें चेंज की गई, वो आप देखिए ध्यान से, एक तो ये है पर केजी यानी लीटर की जगह केजी, एमएल की जगह ग्राम, और वॉल्यूम की जगह वेट, ये बात याद है, और सॉल्यूशन की जगह आप क्या लेंगे, सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा और उसकी जगह वेट किसका ले रहे हैं हम, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का क्या लेते थे, वॉल्यूम लेते, इस कॉल्ड मोलालिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मोलालिटी बदलकर क्या हो गई, मोलालिटी, मोलर सॉल्यूशन को बदलकर मोलल बदल दिया, मोलल, देखो अभी कह रहे मोलर, ये मोलर यहां तक देख, मोलर सॉल्यूशन, और इससे बना मोलल सॉल्यूशन, इसके थ्रू जो बनाया वो मोलर हो गया और इसके थ्रू बनाया वो मोलल हो गया। चलिए तो इसके थ्रू अगर हम बना लें तो क्या कहने वाले हैं कि पहले हमें पानी भर लेना, इसमें कितना 1 kg भर लेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, जो भी डालेंगे सॉल्यूट डालेंगे, तो सॉल्यूट ऊपर से डालेंगे, ठीक है, यानी 1 kg प्लस रहेगा ये जो, और अभी क्या हो रहा था 1 liter में ही NaOH था, अब क्या है 1 kg प्लस जो भी ग्राम आपने लिया, यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बना लें तो बहुत आसान है, इसको यहां से रब कर देते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है, मोलर को मोलल में बदल देना। अब मोलल सॉल्यूशन बनाना है तो मोलालिटी की बात करेंगे, बहुत सिंपल सा है, मोलालिटी यानी क्या फॉर्मूला हो गया दोस्त, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बहुत सिंपल था, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज है यहाँ, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है वहां क्या लिख दूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, खत्म, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और चेंज क्या किया है हमने, कहाँ है, पर केजी ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, ये बात है, नंबर ऑफ मोल्स आप पहले से ही जानते हैं, क्या कहते हैं एनवी, और ये सारे फॉर्मूले जो आपको यहां भी लिखने हैं वो आएंगे,
क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूट का, यानी एनवी की वैल्यू क्या होती है? देखो मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, दोनों में डिफरेंट है, ये कैपिटल एम ये स्मॉल एम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स अगर हम बात करेंगे किसके सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले से लिखे हुए हैं एनवी की वैल्यू यहां पर, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को यहां लिख देता हूं एनवी। वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात की है दोस्त, और वेट वेट को आप कहते हो डब्ल्यू, और अगर सॉल्यूट को बी लेके चले हो तो सॉल्वेंट कौन है ए, ये आप पर डिपेंड करता है क्या लेकर चले आप एन, इसको वन और टू भी लेकर चल सकते थे, तो सॉल्यूट के वेट को डब्ल्यू वन कह सकते थे, इसको डब्ल्यू टू कह सकते, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख देंगे, क्या है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू ए। अब वही बात है, अगर ये ग्राम में दिया है तो आप इसे थाउजेंड से डिवाइड कर ले, अगर नहीं दिया है तो सिंपली क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो गया, एम बी का मल्टीप्लाई यहां कर दो, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर कहा कि ग्राम में दिया है तो बस आपको इसको ग्राम से क्या बदलना होगा, केजी में बदलना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे इसे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डब्ल्यू बी अपर टू लोअर इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, मोलालिटी के लिए आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब किसी भी सोल्यूशन की मोलालिटी हम निकाल लेते हैं, तो पहले तो सोल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं, The solution is prepared. देखो मैंने ये नहीं बोला कि कितना बनाना है मुझे solution, बस solution बनाना। और यहाँ देखो दोनों में क्या difference था, 200 ml of solution is prepared. मैंने नहीं कहा यहाँ कितने लीटर बना रहा हूँ, कितने ml बना, बस क्या कहा, The solution is prepared by dissolving कुछ भी है, सिंपली कोई भी ले सकते, जरूरी नहीं है कुछ भी ले सकते, NaCl ले सकते, 5.6 ग्राम ऑफ QOH द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.6 ग्राम ऑफ QOH इन वाटर का अमाउंट ले लो पर्टिकुलर, कितना 500 ग्राम। देखो वेट की बात की है दोस्त, एमएल एमएल की कोई बात ही नहीं होगी, 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलालिटी बताइए हम। तो सॉल्यूशन कैसे बनाए, पहले आप सॉल्यूशन एक बार और देखिए जल्दी से, आपने क्या किया है, ये मतलब वाटर, तो वाटर का अमाउंट हो जाएगा डब्ल्यू ए, और बी मतलब NaOH, तो NaOH का अमाउंट हो जाएगा डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी कितना लिया आपने, सॉरी NaOH नहीं है यहाँ, KOH कोई बात नहीं, कितना है 5.6 ग्राम। ये आप पे डिपेंड करता है यार कितने पानी में डिसॉल्व करना है, आपकी मर्जी है यार, लो 100 ग्राम में कर दो, समझ रहे, तो इसको डिसॉल्व कर दिया, पानी का वेट आ गया 100 ग्राम यानी सॉल्वेंट, पहले पानी ले लिया, ध्यान रखना ये बात, और फिर उसमें कितने ग्राम QOH डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया, डब्ल्यू बी पता है डब्ल्यू ए पता है, बहुत सिंपल है। तो स्मॉल एम फाउंड करना है, करिए डब्ल्यू कितना है 5.6 इंटू, आप देखो ग्राम में दिया है, आप ऐसे भी ले सकते हो या आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो ग्राम, ग्राम को केजी में, 0.1 केजी आ जाएगा, और आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा जैसे मैं कर, आप इसका डब्ल्यू ए कितना दिया है 100, और ये कितना दे दिया है एम बी, इसका एम बी पता होना जरूरी है, एम बी कैसे पता करेंगे, ऑक्सीजन आपको पता, हाइड्रोजन पता है 1, ऑक्सीजन पता है 16,
पोटेशियम बताया 39, ये हो जाएगा, ये 40, इस 46 और 56 खत्म, ये बात है। अब देखो सिंपली ये सब कट गया, क्या आ गया 1, और स्मॉल m लगाएंगे, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं वन मोलल, मोलर नहीं मोलल, या फिर इसको ऐसे दिखा सकते हैं वन मोल पर केजी। सर वीडियो को हो गया आपकी, दोनों को देख लिया, खास डिफरेंस इनमें क्या दिख रहा है हमें ये समझ में आया। इस फॉर्मूले को देखो, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है खास, और यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is considered, मतलब यहां पर हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का यही मेजरेबल होता है, इसी को कंसीडर करना होता है। बट हियर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इन हियर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कंसीडर, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो मेजर है, बट वॉल्यूम कितना है which is not important, right? So volume of the solution is not important, but the weight of solvent is important. So weight of solvent is considered. Right? But volume of solution is not important. Volume of solution is not important. ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखनी है, आप नोट कर लीजिए प्लीज, हो गया जल्दी से। चलिए मैं इसको रफ कर,
देखो इसमें क्या अपने आप में डिफरेंस दिख रहा था, फॉर्मूला में डिफरेंस दिख रहा था, यहाँ पर क्या था? ये तो फॉर्मूला डिफरेंट है दोनों का, दोनों को रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम स्मॉल एम डिफरेंट है, दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है, तीनों के। चौथा यहाँ वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ वेट पर, चार हो गए। ये डिफरेंस है इसमें मोलालिटी और मोलारिटी। तो मोलारिटी और मोलालिटी को और अच्छे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको और अच्छे से देख लेते हैं। एक जगह मैं आपको बता देता हूं मोलारिटी और दूसरा है मोलालिटी। क्या डिफरेंस है अगर डेफिनेशन में जाओगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हो गई मोलारिटी। और आप मोलारिटी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, कैसा निकालना है पर केजी। ये सिंपल सा बात हो, ठीक है। अब इसकी इसके थ्रू आप ये काम करेंगे, यूनिट ला देंगे तो इसकी आ जाएगी। देखो ऊपर क्या दिया है मोल्स और नीचे क्या दिया है वॉल्यूम, तो मोल्स अपन वॉल्यूम मतलब लीटर, तो इसकी यूनिट जो है क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, और इसकी हो जाएगी मोल्स, तो नीचे दिया है केजी, मोल्स पर केजी, खत्म। समझ गए? फॉर्मूला में बात किया था कैपिटल एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम, ये बात था। और यहां फॉर्मूले में बात था डब्ल्यू बी एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हमने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर, और यहां का क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कंसीडर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट से मतलब नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हियर वॉल्यूम और सॉल्यूशन से हमें मतलब नहीं है कि कितना होना चाहिए, बट द वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी 1 kg, ये 1 kg हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जो मेजर इफेक्ट है वो है टेम्परेचर।
अभी ये तो हमने याद कर ली, समझ आ गया, नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए आप जल्दी से, करते रहा करो साथ में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमने नोट समझ लिए, अभी क्या कर लिए, पढ़ लिए, अब समझेंगे, थोड़ा समझते हैं। चलो समझने के लिए हमें क्या काम करना है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि मोलारिटी से जो बना मोलर सॉल्यूशन और मोलारिटी से बना मोलर सॉल्यूशन, राइट। और मोलर बनाने के लिए मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और यहां मोल्स पर केजी। अच्छा, इसको बनाने कैसे हैं, तो बनाने का तरीका देखो, यहां मैं मेजरिंग सिलेंडर ले रहा हूं, ये दो मेजरिंग सिलेंडर हैं, आपको पता है इन पर मार्किंग होती है, जैसे 0.5 लीटर की होगी, फिर 1 लीटर की मार्किंग होगी, इस तरह से मार्किंग रहती है। अब क्या करना है, मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या करूं, इस जितने भी मोलर बनाना है, मतलब 6 मोल लेना चाहता हूं, किसके, सॉल्यूट के, NaOH के, किसी के, तो 6 मोल में यहां डाल दूं, ठीक है। और मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो मैं इसको फिर क्या करूंगा, वाटर एक्वस सॉल्यूशन बना रहा हूं, पानी भर दूंगा इसमें, कहां तक, मार्किंग तक, ये मैंने भर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा मोलर सॉल्यूशन को, तो पहले 1 केजी वाटर ले लूंगा, सिंपल लेना है, आप ग्राम से कैलकुलेशन कर सकते हो, केजी में 100 ग्राम भी बना सकते हो, लेकिन अब मैं 1 केजी सीधा सीधा बना, तो मैं 1 केजी वाटर यहां पर सबसे पहले फिल कर लूंगा, और वही बना रहा हूं NaOH के 6 मोल लेकर, तो NaOH के 6 मोल में यहां डाल दूंगा, NaOH के 6 मोल ऊपर से डालूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज होगा, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज हो, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं इस चीज को, आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे। जस्ट ये मेजरिंग सिलेंडर है दो आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास NaOH के कुछ मोल, ठीक है, ध्यान से समझो, और मैं पहले कौन सा सॉल्यूशन बना रहा हूं, ध्यान से समझे, ये मोलर सॉल्यूशन, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, NaOH के 6 मोल इसमें ऐड कर दूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और कितना सॉल्यूशन बना रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन जो है वो मेक करने वाला। मान लीजिए मेजरिंग सिलेंडर 1 लीटर का है, ये मार्किंग दी गई है, देखो ये मार्किंग दी गई है 1 लीटर की, केयरफुली हम 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए एग्जैक्ट मार्किंग द 1 लीटर सॉल्यूशन, अब ये मत सुनना ये काले पड़े हुए, अभी आपको ये इससे नॉर्मली समझना है, NaOH नहीं है मेरे पास, हमने ये सॉल्यूशन बना दिया 1 लीटर, 1 लीटर मेकअप कर लिया जिसमें 6 मोल NaOH के पड़े। अगर हमें यही काम करना होता मोलर सॉल्यूशन बनाते समय, तो हम पहले 1 लीटर लेते, यानी 1 केजी वाटर लेते, ठीक है, सबसे पहले हम वाटर ले लेते,
केयरफुली 1 kg, ठीक है, ये पहले केयरफुली काम करके ध्यान दीजिए। तो ये 1 kg हमने ले लिया क्या सॉल्वेंट, और इसमें 6 mole NaOH के ऐड करना, ध्यान से समझिएगा। 1, 2, देखिए खुद राइज होने लगा है वॉल्यूम। 3, 4, 5, 6 ये राइज हो गया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बदल गया। तो इसीलिए यहां वॉल्यूम की कोई बात नहीं, वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट। और यहां पर वॉल्यूम कितना है 1 liter, तो ये वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। मैं यहां एक चीज बताना चाहता हूं, अब ये मान लीजिए आधा लीटर जगह खाली और हम इसको बॉइल करें, अगर बीकर में कर रहे हैं, बीकर में बॉइल करें और हम इसके ऊपर ये लिड रख दें, प्लेट रख दें बॉइल करने के बाद, तो ये बॉइल होकर ये वेपराइज फॉर्म में होगा, पूरा वाटर यहां तक आ जाए, यानी वॉल्यूम जो अभी 1 liter दिख रहा था वो कितना हो जाएगा 1.5 liter, ये आधा लीटर का एरिया है मान लीजिए, तो 1.5 liter दिख रहे हैं। मोल कितने पड़े हैं 6, अभी कैसा सोल्यूशन था 6 molar, यानी 6 mole per liter, इसका मतलब क्या है 6 molar सोल्यूशन था, राइट। अभी क्या हुआ, हीट करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया 1.5, लेकिन मोल कितने पड़े हैं वही 6, कहां 1.5 liter। इसको आप ठीक करोगे तो ये हो जाएगा 4 moles per liter, ठीक है ना, 4 moles per liter, यानी सोल्यूशन कैसा हो गया 4 molar सोल्यूशन, यानी मोलारिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलिए तो मोलारिटी बदल जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम इज चेंज, वॉल्यूम चेंज होने से मोलारिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां क्या कहेंगे हम, मोलारिटी चेंज विथ, मोलारिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए बेड पर क्या फर्क पड़ेगा, हम इसको हीट करता हूं, क्या पानी जो यहां है 1 kg का 2 kg हो जाएगा या 1.2 kg हो जाएगा या 1.5 kg हो जाएगा। अरे भाई इसको गर्म कर लेंगे तो इसका वेट जो है वही तो रहेगा, वेट पर फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम पर फर्क पड़ा, लेकिन हमने क्या कहा था यहाँ, वॉल्यूम इज नॉट कंसीडर, वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इंपॉर्टेंट। अब वॉल्यूम, अब वेट सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट है तो आप इसको हीट कर लीजिए ना दोस्त, अब आप इसको हीट कर लेंगे तो आपका वेट तो अभी भी 1 kg, यानी 6 mole कहां पड़े हैं 1 kg में पड़े हैं, तो एक कैसा सोल्यूशन हो गया, अगर 6 mole NaOH के लिए है हमने, तो ये कैसा सोल्यूशन हो गया 6 molar सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, यानी 6 mole per liter, पर लीटर नहीं बोलेंगे 6 mole per kg, सॉरी, यानी ये बदलने वाला नहीं, जब बदला नहीं तो इसको क्या कहा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज फ्री फ्रॉम टेम्परेचर, इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। द वैल्यू ऑफ मोलारिटी इज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ मोलारिटी यानी स्मॉल m इज नॉट चेंज with change in temperature. So, is it clear? अभी की important चीज हम करने वाले, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक solution है, ये हमने 100 ml solution बना लिया, इसका 1 molar सोल्यूशन, ठीक है दोस्त, ओके, और एक जो है 1 molar क्या 3 molar बना लेता हूं, ठीक है, और एक सोल्यूशन बना लेता हूं इसका 1 molar सोल्यूशन, ठीक है,
अब इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के वॉल्यूम अलग अलग है, राइट। एक का कुछ और ले लिया है और एक का कुछ वॉल्यूम अलग। मान लीजिए ये 200, ये है आपका 300 ml, ये 200 ml, ठीक है। तो 300 ml का ये सॉल्यूशन ये डाल दिया और 200 ml का ये सॉल्यूशन ये डाल दिया, दोनों मिक्स हो गए, एक 1 molar था एक 3 molar था, या एक 2 molar था, जितना आपको रखना है। एक वन हमने रखा 1 molar और 3 molar दोनों मिला दिए, अब ये नहीं कह सकते 4 molar सॉल्यूशन हो, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है ना दोस्त दोनों के। अब बात आएगी जो नया सॉल्यूशन बना है इन दोनों को मिलाने के बाद, मिक्सिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। क्योंकि इन दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और नया सॉल्यूशन बनाया, उसको कहेंगे हम क्या, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, राइट। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसकी मोलारिटी हमें हम निकाल, ध्यान से समझिए मैंने क्या किया, वो पूरी बात ध्यान से समझिए। एक बीकर में एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसका कोई अभी हमें नहीं पता क्या है, इसकी मोलारिटी मान लेते हैं M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलारिटी मान लेते हैं M2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है। अरे यार नंबर ऑफ मोल्स इसमें पड़े हैं N1 मान लो, इसमें पड़े हैं नंबर ऑफ मोल्स N2, ठीक है। तो अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या करना है हमको, ध्यान से समझिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों दोनों की वॉल्यूम अलग अलग है, मिला दी। अब इसकी मोलारिटी क्या है अभी बताएंगे, लेकिन इसकी इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, नई मोलारिटी एम रिजल्टिंग, M3 कह लो, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो आपको सीधा पता चला, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, V1 plus V2। तो कैसे निकालोगे, मोलारिटी दोनों को ऐड किया, M1 V1 plus M2 V2 दोनों को ऐड किया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना का वॉल्यूम है V1 plus V2। मोलारिटी निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, M1 V1 plus M2 V2 अपॉन V1 plus V2। इस तरह से हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी, हम स्पेसिफिक अब मोलारिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मोलारिटी की गौर करेंगे हम, ये हटा देते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलारिटी की बात, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं कि हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि जैसे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी, मोलारिटी होती क्या है, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंटिंग पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये M1 कह दो, उसको N1 कह दो, V1 कह दो, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो क्या कहेंगे, M1 into V1। इसी तरह यहां निकालने हो नंबर ऑफ मोल्स N2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कहेंगे बताओ, M2 into V2। यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, M रिजल्टिंग N टोटल और V टोटल। N टोटल कितना है दोस्त, इसके N1 मोल और इसके N2 मोल, तो इसको कह सकते हैं N1 plus N2। और V टोटल कितना है, V1 plus V2, यही है ना। अब N1 की वैल्यू आप यहां रख दोगे MR, N1 की वैल्यू क्या है M1 V1, N2 की वैल्यू क्या है M2 V2 अपॉन V1 plus D2। आप इस तरह से मोलारिटी निकाल, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, 0.2 molar एक मिनट, 200 ml, देखो वॉल्यूम जरूरी है ऑफ, देखो जब भी मोलारिटी की बात करेंगे वॉल्यूम की बात, तो 200 ml ऑफ
0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड इन इज मिक्स इन 300 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, जल्दी से कर लेते हैं. देखो भाई क्या करेंगे, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल्स टू एम आर या एम थ्री कह सकते हो. रिजल्टिंग सॉल्यूशन बी वन प्लस बी टू. सिंपल से आपको पता चल गया कि इसकी मोलारिटी कितनी दी है, 0.2. इसकी वॉल्यूम कितना दिया है, 0.2 मोलारिटी. इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 200 ml. इसकी मोलारिटी दी है 0.3 मोलर और वॉल्यूम दिया है 300 ml. MR वही रहने दो और ये टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 यानी 500 ml. सिंबल हो गया. यानी मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन यानी एम थ्री इज इक्वल टू, इसका कर दो इसमें तो ये हो गया 40, इसका कर दो ये हो गया 90 और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बताइए, 500. ये 130 अपॉन 500 ये कट कर दूं और 13 इज डिवाइडेड बाय 50. 50 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 100 30 और ये 0 300 0.26 मोल्स पर लीटर. ये आ गया इतने मोलर सॉल्यूशन या 0.26 मोलर सॉल्यूशन में. लेकिन ये याद रखें, व्हेन बोथ सब्सटेंस आर सेम, मतलब सेम सॉल्यूशन व्हेन सेम, ये तब कंडीशन लागू होती है व्हेन सेम सॉल्यूशन आर मिक्स्ड. आप सोचो कि मैं एक तो ले लूं HCl का, दूसरा या एक ले लूं NaOH का और दूसरा ले लूं H2SO4 का सॉल्यूशन और फिर बनाओ, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उन दोनों के बीच. ये जो मिक्सिंग निकालते हैं वो सेम ही होना चाहिए, देखो HCl का और HCl का, वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी. NaCl H2SO4 क्या बन जाएगा, NaCl प्लस Na2SO4 यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा. इसलिए सॉल्यूशन बनाना है तो दो डिफरेंट, तुम सोचो कि HCl और H2SO4 अलग अलग ले लूं, नहीं. तब हम वहां पर क्या आइडेंटिफाई कर, वहां पर क्या निकालेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, एसिडिटी निकाल सकते हैं. क्या फर्क पड़ा एसिडिटी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे है, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ा, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं हम अगर ये आ गया. चलिए कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके. आप